आज हम बनाएंगे आटे का हलवा। ये एक कटोरी आटा है, ये मोटा आटा है। घी एक कटोरी, एक कटोरी शक्कर, काजू, बादाम और किशमिश, इनका मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये चार इलायचियों का पाउडर बनाया। गैस ऑन किया। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे। हम आधा घी डालेंगे। पहले घी की मात्रा आप अपने अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं। जिसको कम घी खाना है वो तो थोड़ा कम घी डालें। बाकी हलवा तो ज्यादा घी का ही टेस्टी लगता है। ये हमारा घी पिघल गया है। अब हम इसमें आटा डालेंगे। पिघल गया है। आंच एकदम मध्यम रखेंगे, सीम पे ही होना चाहिए। अब हमारा आटा डालेंगे। इसे एक जैसा चलाते रहेंगे, नहीं तो आटा जल जाता है। आंच का ध्यान रखें। इसे तब तक सेकना है जब तक कि इसका भूरा कलर ना जाए। इसकी खुशबू ही बता देती है कि आटा सिक गया है। इसे लगातार हमें चलाते रहना है। अब इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा घी हमें और लगेगा, थोड़ा घी हम और डालते हैं। चला के देख लेते हैं हम। अब एक तरफ गैस में हम पानी गर्म होने के लिए रखते हैं। एक कटोरी आटा लिया है हमने, तो लगभग 3 कटोरी के करीब हम गर्म पानी करेंगे। गैस ऑन कर देते हैं। इसको सीम पे रहने देते हैं जब तक पानी बॉईल होगा। धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ी देर और सेकनी है। आटे का हलवा जब डिलीवरी होती है तब जापे में 15 दिनों तक दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें घी अच्छा रहता है और ये जच्चा के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें मैंने मोटे आटे का यूज किया है। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप सादे आटे में रवा मिला सकते हैं, और नहीं तो अपने जो रेगुलर आटा हम यूज करते हैं रोटियां बनाने के लिए, उससे भी हलवा बहुत अच्छा बनता है। पानी हमारा गर्म हो गया है तो हम इसका गैस बंद कर देते हैं। आटा भी लगभग सिकने आया है। किशमिश को छोड़कर हम ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल देते हैं। ये भी थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे और थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निश करने के लिए। ये मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं इसमें। ये आटा पूरा सिका गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अच्छा बढ़िया भूरा कलर आ गया है, सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालते वक्त तो ध्यान रखना है, वो छींटे लगते हैं उसके, इसलिए सावधानी से गर्म पानी डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ध्यान रखें कि घुटनी ना पड़े, तो धीरे धीरे चलाते भी रहेंगे।
एक जैसे लगातार चलाना है, इसमें गुठलियां नहीं पड़ने देना है। वैसे भी आटा बहुत अच्छा सीखा है हमारा, तो गुठलियां तो नहीं होंगी। इसको पानी सूखने तक चलाते रहेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, फूल गया है एकदम। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, एक कटोरी जो हमारी शक्कर है, और इलायची पाउडर। अब इसे भी हम चलाते रहेंगे एक जगह। ड्राई फ्रूट और इलायची ये आपकी इच्छा के अनुसार है, नहीं तो आटे का हलवा सादा ही बहुत टेस्टी लगता है। मेरे बच्चों का तो ये बहुत फेवरेट है। थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे। दो से तीन मिनट से हम ढक के रखेंगे। रखा है इसे हम चलाते हैं। शक्कर भी पूरी तरह से पिघल गई है, देखिए कितना रवेदार खिला खिला हलवा बना है। अब हम इसे एक प्लेट में लेते हैं। गैस ऑफ करते हैं। अब हम इसे गार्निश करते हैं ड्राई फ्रूट से। आप बनाइए, खाइए और खिलाइए, और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा हलवा कैसा लगा आपको। थैंक यू।